अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से रास्तों पर लिखा होता है ये आम रास्ता नहीं है, लेकिन हम आपको एक ऐसे रास्ते को दिखाने जा रहे हैं जो खास तो है लेकिन उसे आम से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में पहुंचा दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के एकमात्र रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने इस खुफिया रास्ते की। ये एक ऐसा खुफिया रास्ता है जिससे आए दिन लोग बड़ी बेफिक्री से इसका इस्तेमाल करते हैं और धड़ल्ले से आते जाते हैं। अपनी नाजायज जरूरतों की वजह से ये मानव द्वारा निर्मित अवैध रास्ता आजकल सभी के लिए खुला पड़ा है। कोई भी राहगीर बस स्टैंड से उतरकर बड़े आराम से रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के मुख्य गेट से होते हुए इस सेंध मारी वाले गेट से निकलकर अपनी मंजिल को पहुंच सकता है। फिर चाहे उस समय स्टेडियम में कोई मैच चल रहा हो या फिर कोई ट्रायल हो रहा हो, ये रास्ता हमेशा सबका स्वागत करता है। जब गोरखपुर न्यूज ने इस खबर को गंभीरता से लिया और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी AK पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि आए दिन वो इसको बंद करवाते हैं और फिर कुछ अराजक तत्वों द्वारा साजिश के तहत इसे तोड़ दिया जाता है। इस बारे में AK पांडे ने बताया कि बार बार पुलिस से भी शिकायत की गई है। बच्चों के साथ कुछ ऐसा जब असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने शाम के समय कुछ बदतमीजी की मार पिटाई की, उस पर प्रशासन से मिलकर के इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से आश्वासन मिला है, वो कार्रवाई पुलिस ने अपना कर दी, प्रारंभ कर दिया है और आश्वासन है कि असामाजिक तत्व जो भी स्टेडियम में दिखाई देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरे शहर भर में हर जगह पुलिस तैनात नहीं रह सकती, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दो चार ऐसी घटना, ये हालांकि ऐसी घटना हमेशा नहीं हुई है, ये पहली बार इस तरीके से हुआ है और हम लोगों ने अनुरोध किया है, उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं और प्रयास ये है कि हम इस माहौल को, हम लोग जो अच्छा चल रहा है उसको खराब न होने दें। पीछे वाले रास्ते से सर कुछ दीवार तोड़ के आने जाने का भी काम चलता है लोगों के द्वारा सर? वो बहुत पुराने समय से चल रहा है, दीवार को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया जाता है, फिर बनवाया जाता है, बीच बीच में टूटता है, फिर हम लोग बनवा देते हैं, तो संबंध में भी अनुरोध किया गया है। आगे सर, ऐसे तत्वों को सर चिन्हित भी किया गया है कि? बिल्कुल चिन्हित किया जा रहा है, जो तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए, अभी आपने अधिकारी की बात सुनी जो लगातार पुलिस से कई बार गुहार लगा चुके हैं। अब जरा नजारा अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, पुलिस वाले को देखिए कितने धड़ल्ली से ये स्टेडियम का मुख्य द्वार पार करके चोर दरवाजे से होता हुआ बड़ी ही आसानी से निकल जा रहा है। अब तो आप बात को समझ ही गए होंगे, बात वही है, माझी जो नाव डूबे उसे कौन बचाए।